welcome back to my channel and welcome to the day 3 of New Year series. So for today's video, I will be sharing with you all that how you can make your own DIY BB cream. I hope aapne jo hai mere DIY primer wali video dekhi hogi. So it's an extended part to that video. एक्सटेंडेड पार्ट इसलिए बिकॉज जो मैंने डी आई वाई प्राइमर बनाया था बस उसी में मुझे एक या दो इन्ग्रीडियंट और डालने हैं और उसके बाद आई विल गेट माई ओन बीबी क्रीम. एंड मैं बीबी क्रीम इसलिए बनाना चाहती थी बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसे लुक्स होते हैं जिसमें वी हैव टू वेयर वेरी सटल एंड लाइट मेकअप जो कि एक फाउंडेशन की हेल्प से नहीं हो पाता है. तो उसके लिए वी डू प्रेफर यूजिंग अ बीबी क्रीम. एंड सिंस आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ सेपरेट बीबी क्रीम, या मुझे लगता है और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये शेड मैच नहीं करेगा, तो उसके लिए आई फील कि अपनी खुद की डी आई वाई बीबी क्रीम जो है वो सबसे बेस्ट वर्क करेगी. सो आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल दैट हाउ यू कैन मेक योर ओन डी आई वाई बीबी क्रीम. बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल. इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट देन डू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज TMD द मेकअप दैट 2020. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, बीबी क्रीम जो है फाउंडेशन की तरह ही वर्क करती है, लेकिन फाउंडेशन की कवरेज जो है वो हैवियर साइड पर होती है, वेयर एज बीबी क्रीम की कवरेज जो है वो लाइटर साइड पर होती है. और फाउंडेशन जो है ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेंसिव परचेज. अगर आप अफोर्डेबल साइड पर भी आप फाउंडेशन खरीदोगे तब भी जो है उसकी जो कवरेज होगी वो काफ़ी हैवियर साइड पर आपको लुक देगा, वेयर एज बीबी क्रीम की जो फॉर्मुलेशन होती है वो बहुत ही लाइट वेट. अगर आप मार्केट की बीबी क्रीम्स की बात करो, तो अगर मैं अफोर्डेबल बीबी क्रीम की बात करूँ जैसे गार्नियर होगी, पॉन्ड्स होगी, इनकी बीबी क्रीम के जो शेड्स हैं एक या दो ही अवेलेबल है जो कि सारी स्किन टोन के हिसाब से नहीं सूटेबल, लेकिन लोग फिर भी खरीद लेते. आई डोंट नो व्हाई, मैंने भी खरीदी हुई है, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती थी बिकॉज हम सामने तो हमें लगता है कि यार बहुत अच्छी सेटिस्फैक्ट्री लुक दे रही है, लेकिन व्हेन वी गो इन एक्चुअल लाइट तो वो हमें पता चलता है कि वो डेफिनेटली या तो हमारी स्किन टोन से बहुत डार्क है या वो हमारी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है. सो अगर आप जो है उस कैटेगरी में आते हो जिन्हें लगता है कि वी आर अमंग्स दोज, हम जो है रोज़ मेकअप नहीं लगा सकते लेकिन स्टिल वी वॉन्ट अ बिट ऑफ यू नो कवरेज इन आर फेस, तो ऐसे में यू विल डेफिनेटली प्रेफर यूजिंग अ बीबी क्रीम. एंड घर पर अगर आप बीबी क्रीम बनाओ तो उससे बेटर और ऑप्शन क्या ही हो सकता है, क्योंकि फर्स्टली आप ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्करों में नहीं रहोगे कि भाई हमें तो चाहिए खरीदनी पड़ेगी, हमें ट्राई ऑन करना पड़ेगा, उसके चक्करों में भी नहीं रहोगे. एंड दूसरा, आप इजिली आप अपनी शेड के हिसाब से जो है बीबी क्रीम बना, एंड उस अपनी शेड की बीबी क्रीम में भी जो है आपको और भी काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, यानी कि उसके अंदर आपकी यू नो पसंद की शेड होगी, पसंद की फ्रेग्रेंस होगी, पसंद का मॉइस्चराइजर होगा एंड ऑब्वियसली सनस्क्रीन भी होगी. सो गाइज, जो मैं बीबी क्रीम आपको बनाना सिखाने वाली हूँ ये फॉर श्योर ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए परफेक्ट है. एंड लेकिन ऑयली स्किन पीपल वाले जो हैं वो अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको खुद देखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि ऑयली स्किन पीपल वालों के लिए एक्सट्रीम मैटिफाइंग प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है. तो अगर आप उसमें आप एक्सट्रीम मैटिफाइंग फाउंडेशन ऐड करने वाले हो तो आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर यू एट एन एक्सटेंट बट नॉट फॉर अ लॉन्ग रन. सो डू चेक इट आउट इफ द इंग्रीडियंट सूट्स यू नॉट. एंड ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो इंग्रीडियंट मैंने यूज किए आपको भी सेम टू सेम एग्जैक्ट इंग्रीडियंट यूज करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने आपको डी आई वाई प्राइमर के टाइम पर भी बोला था कि जो आपके घर पर ईजिली अवेलेबल है आप उसे ही यूज करो. सो यस, एंड ऑलवेज 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 डू अ पैच टेस्ट बिफोर ट्राइंग आउट एनी थिंग. चाहे आप डी आई वाई ही कोई चीज़ क्यों ना यूज़ कर रहे हो या बना रहे हो, लेकिन ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अगर सारे एलिमेंट्स मिक्स होकर वो आपकी स्किन को सूट करें या ना करें. सो गाइज, ये डी आई वाई प्राइमर तो है एंड लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो भी आप फाउंडेशन आप डालने वाले हो इसके अंदर, मेक श्योर वो आपकी स्किन टाइप का हो, या अगर आपने बाई चांस डार्कर साइड का फाउंडेशन आपने ले लिया है तो आप उसे डाल लीजिए. बट अवॉइड यूजिंग अ लाइट शेड फाउंडेशन, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी लाइट शेड फाउंडेशन अगर आप डालने वालोगे, क्योंकि मॉइस्चराइजर की वजह से जो है वो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो ऐसे में इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू मेक इट टू योर स्किन टाइप. आपके पास जो भी फाउंडेशन है, आप जो भी यूज़ करते हैं अपने डे टू डे रूटीन में, मेक श्योर आप वही यूज़ करें. मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन है जो कि मेरी स्किन टोन से ऑब्वियसली एक शेड डार्कर है, लेकिन मैं इसको अपने ट्यूटोरियल में आई वर्क इट आउट. क्यों? बिकॉज आई डू यूज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर, जिससे जो है वो सब कुछ बैलेंस हो जाता है. बट आई थिंक आई नीड टू मेक माई बीबी क्रीम विद दिस फाउंडेशन, सो दैट जो है ये लाइटर शेड पर जो है मैं अपनी स्किन के ऊपर इसे अच्छे से वर्कआउट कर सकूँ.
सो गाइज दिस इज माई डी ओ आई प्राइमर जिसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल और अपनी सनस्क्रीन डाली थी वाओ की. एंड आप चाहो तो इसको थोड़ा और मॉइस्चराइजिंग बना सकते हो इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्मूथ ऑन योर स्किन, बिकॉज सिंस इसके अंदर जो है प्राइमर जैसे इफेक्ट्स है, यानी कि ये थोड़ा सा आपकी स्किन के ऊपर ड्राई हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली इट वर्क्स लाइक अ प्राइमर. लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर और मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो. सो आई वॉन्टेड टू मेक इट मोर मॉइस्चराइजिंग, सो इसलिए जो है मैं अपना जो है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर जो है वो मैं ऐड करने वाली हूँ. आप चाहो तो आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो इफ यू डोंट वॉन्ट टू ऐड मॉइस्चराइजर, क्योंकि सिंस ये वाला जो मॉइस्चराइजर है या कोई भी आप मॉइस्चराइजर लो उनका अपना एक वाइट टिंट होता है. सो इस वजह से जो है ये हो सकता है कि ये आपका यू नो फाउंडेशन जो कि ऑलरेडी आपकी स्किन टाइप का है उसे और लाइट कर दे आपकी स्किन शेड से. बट एनीवेज इट विल बी वर्कड आउट. सो मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं सिर्फ एक दो पम्प्स बस, इससे ज्यादा नहीं, बिकॉज इससे ज्यादा जो अगर मैं लगाऊंगी तो फॉर श्योर जो है मेरी स्किन को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली यू नो ऑयली भी कर सकता है, जो कि वैसा हमें नहीं चाहिए. नाउ आई विल बी एडिंग माय वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन एंड इट इज इन द शेड क्लासिक बेज. जैसा कि मैंने आपको कहा आपके पास कोई भी फाउंडेशन है आप वो ऐड कर सकते हो. आप देख सकते हो इसका शेड काफी अलग सा है, तो मैं ये इसके अंदर जो है डालने वाली हूँ. और ये थोड़ा मैं स्पैचुला से ही पहले तो डाल दूँ ताकि जो है मुझे ज्यादा और ना करना पड़े. एंड आई विल बी मिक्सिंग एवरीथिंग लेटर सो दैट जो है मुझे बार बार मिक्स करने की जरूरत ना पड़े. थोड़ा सा मैं इसके अंदर और फाउंडेशन डालती हूँ क्योंकि अभी हम इसे मिक्स करके देखेंगे एंड देन वी विल एक्चुअली गेट टू नो कि हमारी स्किन टाइप से कितना मैचिंग बन रहा है या कितना नहीं बन पा रहा है या ज्यादा लाइट हो गया है. तो उस चीज को भी आई विल टेल यू कि हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं. अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ. अभी इसके कलर को देखकर जो है मुझे लग रहा है कि ये ऑल्दो मेरी स्किन से मतलब आई विल शो यू कि इसका जो है कलर कैसा आया है. मुझे अभी इसको देखकर लग रहा है कि ये अभी मेरे स्किन टोन से काफी लाइट हो चुका है. तो व्हाट आई विल ऐड मोर फाउंडेशन. अगर आपको लगता है कि आप ये जो आप बना रहे हो बीबी क्रीम वो आपके स्किन टोन से ज्यादा लाइट हो चुकी है तो आप इसमें और डाल सकते हो, जितना आपको जरूरत लगे उतना आप डालिए. तो अब आप ये देख सकते हो कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से लग रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और एक बेटर लुक देने के लिए आई विल ऐड कॉम्पैक्ट इनटू इट. सो इसके अंदर मैं अपने बेला वॉस्टी का आइवरी टच कॉम्पैक्ट जो है डालने वाली हूँ, जो कि अगेन मेरे स्किन टोन का है. ये आप देख सकते हो ये ब्रोकन हाल में है. अगर आपके पास ब्रोकन हाल में नहीं है तो आप वैसे भी थोड़ा सा स्क्रेप आउट कर सकते हो, बट अगर ऐसा कोई भी कॉम्पैक्ट अगर आपका टूट गया है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो. जस्ट द वे आई एम वर्किंग आउट विद दिस कॉम्पैक्ट. अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप जो है फॉर श्योर इसके अंदर ज़्यादा कॉम्पैक्ट ऐड करके जो है इसे मैटिफाई थोड़ा कर सकते हो. एंड यू हैव टू जस्ट ब्रेक आउट द लम्स एंड यू हैव टू मिक्स इट वेरी जेनरसली सो दैट जो है आपके बेस में कोई भी लंप ना हो, क्योंकि कॉम्पैक्ट डाला है तो ऑफकोर्स थोड़ा सॉलिड फॉर्म में है. यू हैव टू ब्रेक इट एंड नाउ आई विल शो यू कि इसका जो है क्या टेक्सचर आया है फाइनल. जस्ट हैव अ लुक. ये थिक लग रही है और ये एक्चुअली में हो भी गई है थिक, विच इज फाइन क्योंकि हमें थोड़ी कवरेज भी चाहिए. हमें सिर्फ एक टिंटेड मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, हमें थोड़ी कवरेज भी चाहिए, सो इसलिए इसका थिक होना ज़रूरी है. एंड नाउ आई विल शो यू कि इसका जो है एग्जैक्ट क्या कलर आया है. Definitely it's suiting me a lot and I will show you. Difference आप खुद ही देख सकते हो मेरे fingers और मेरे you know इस portion में.
और शोर एक अच्छी कवरेज लग रही है. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन DIY बीबी क्रीम. एंड गाइस, अगर तो आपकी जो बीबी क्रीम आपने बनाई है वो आपको लगता है कि वो बहुत ही लाइट कवरेज दे रही है आपके फेस पर, तो आप उसके अंदर आप फाउंडेशन और ऐड कर सकते हैं. या अगर आपको लगता है कि डार्क हो गई है आपके स्किन टोन से, तो फॉर श्योर आप उसके अंदर आप थोड़ा और मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हैं, सो दैट जो है वो आपके स्किन टोन के हिसाब से ही वो लगे. एंड गाइस, आप चाहो तो आप मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो, बट इफ यू वॉन्ट टू मेक इट मोर यू नो सटल एंड मोर मैटिफाइंग फॉर योर फेस, तो ऐसे में जो है अवॉइड यूजिंग मॉइस्चराइजर. और सिंस मैंने जब ये DIY जो प्राइमर जो मैंने बनाया था वो मैंने अप्लाई किया था, तो उससे ऑब्वियसली इट मेड माई फेस मोर मैटिफाइड. लेकिन अभी सिंस काफ़ी विंटर्स बढ़ चुकी है, तो ऐसे में जो है ज़्यादा मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स जो हैं कॉम्बिनेशन स्किन वालों को सूट नहीं करते, क्योंकि मेरी भी स्किन जो है यहाँ से बहुत ड्राई होने लग गई थी. तो इसलिए आई एडेड अ मॉइस्चराइजर, सो दैट जो है वो थोड़ा काफ़ी यू नो मॉइस्चराइजिंग लेवल पे आ जाए, सो दैट जब मैं इसे लगाऊँ अपने फेस पे तो मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी स्किन खिंची खिंची लग रही है. सो लेट मी रिवाइज द इंग्रेडिएंट्स फॉर यू ऑल. एलोवेरा जेल, उसके अंदर मैंने अपनी सनस्क्रीन ऐड करी. आप चाहो तो आप सनस्क्रीन के अलावा जो है मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो. मैंने मॉइस्चराइजर भी ऐड किया बिकॉज आई टोल्ड यू द रीजन कि मेरी स्किन जो है प्राइमर बनाने की वजह से काफ़ी यू नो मैटिफाई होने लग गई थी, बट आई वॉन्टेड अ बिट ऑफ मोर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, तो इसलिए मैंने अपना मॉइस्चराइजर उसमें ऐड किया. आप चाहो तो आप ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हो, चॉइस इज योर्स. मेरे पास अभी ग्लिसरीन नहीं था एंड आई डोंट वांटेड इट टू बी सो मच मॉइस्चराइजिंग, इसलिए मैंने अपना मॉइस्चराइजर ऐड किया. नेक्स्ट आई एडेड फाउंडेशन ऑफ माय स्किन टोन. या अगर आपके स्किन टोन से डार्कर शेड पर है तो आप उसे वो ऐड कर दो. अवॉइड यूजिंग लाइटर शेड फाउंडेशंस. एंड उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट ऐड किया जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर थिक एंड जो है मेरी स्किन टोन को और ज्यादा सूट. दैट्स हाउ यू कैन मेक योर ओन DIY बीबी क्रीम विद जस्ट 5 इंग्रेडिएंट्स एंड अंडर 5 मिनट्स. एंड ये बहुत ही इजी है और मैंने आपको ऑलरेडी इसकी स्पेसिफिकेशंस बता दी है. इनकेस आप कुछ भी भूल रहे हो या आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिस कर दिया, सो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि मुझे भी पता चल सके एंड आई कैन करेक्ट इट इन माई डिस्क्रिप्शन ओनली. एंड गाइस, मैंने जो अपने हैंड पे चेक किया है, बट अवॉइड चेकिंग एनीथिंग ऑन योर हैंड्स, क्योंकि हमारे हैंड की स्किन जो है टोन जो है वो अलग होता है हमारे फेस के कंपैरिजन में. सो ऑलवेज चेक इट ओवर हियर. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन माय यू नो 2021 कंटेंट, जिसमें आई विल बी शोइंग यू ऑल कि आप किस तरीके से अपना फाउंडेशन चेक कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. तो अभी सिंस आई एम वेयरिंग मेकअप तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं चेक किया, बट सिंस मुझे फाउंडेशन का शेड पता था एंड मुझे अपने हाथ से भी काफ़ी क्लियर हो रहा था, बट फिर भी जो है इट्स अ थिंग कि यू शुड चेक इट हेयर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाथ पे जो हमें सूट कर रहा है वो हमारे फेस के ऊपर भी अच्छा लगे. सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए. एंड तभी आई ऑलवेज सजेस्टेड टू यू ऑल कि आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, नो मैटर आप मेरी देख रहे हो या किसी और की देख रहे हो, मेक श्योर आप उसकी वीडियो पूरा देखिए, सो दैट अगर कुछ ऐसी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारे पास तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पहुंची, जिसकी वजह से वो चीज उस हिसाब से बनी नहीं जैसी बननी चाहिए. सो दैट्स इट फॉर द एपिसोड 3 ऑफ न्यू ईयर सीरीज. आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ ग्लैम मेकअप लुक एंड आई होप आपको वीडियो भी पसंद आने वाली है. सो यस, आई विल सी यू गाइस टुमारो. टिल देन बाय, टेक केयर.